हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 मेंबर्स ऑफ ए कंपनी का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। सॉरी, काफ़ी दिन हो गए आप लोगों के लिए नया वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि जस्ट अभी हमारे फर्स्ट हम एग्जाम एंड प्रीलिम्स हुई है, 12th बोर्ड की फर्स्ट प्रीलिम्स, तो उसके पेपर करेक्शन करने थे, फिर मार्क एंट्री एंड ऑल बहुत सारा जो है ना काम बढ़ गया था, तो आप लोगों के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो गया था। अभी धीरे धीरे वापस थोड़ा आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, तो प्लीज़ डू कोऑपरेट विथ मी। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। पहला क्वेश्चन जो है मेंबर, मेंबर कौन है, आपको इस कॉन्सेप्ट को टर्म को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे मेंबर मीन्स अ पर्सन, मेंबर कौन है, तो ये पर्सन है हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के रजिस्टर, जो मेंबर्स का रजिस्टर है। जैसे आप लोगों का कैसे कॉलेज में क्लास में अटेंडेंस रजिस्टर होता है, सेम वे मेंबर्स का भी रजिस्टर होता है। उसके अंदर जिस बंदे का नाम एंटर हो जाता है कंपनी के रजिस्टर में, मेंबर वाले रजिस्टर में, एंड आल्सो इंक्लूड होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और जो बंदा इक्विटी शेयर्स की होल्डिंग करता है, मतलब जिसके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं कंपनी के, हुज नेम इज एंटर्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी, जिनका नाम जो डिपॉजिटरी क्या है, जैसे आप लोग कैसे बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट होता है तो बैंक में आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, उसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही डिपॉजिटरी भी दे वर्क लाइक अ बैंक, बैंकिंग सिस्टम की तरह ही होता है। आपने कोई शेयर्स परचेस किया किसी कंपनी का, तो वो आपके शेयर्स को सेफगार्ड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो आपके डीमेट अकाउंट में मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर जिसकी होल्डिंग होती है इक्विटी शेयर होल्डिंग बेनिफिशियल ओनर की, तो उसको मेंबर कहा जाता है। नाउ टू प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, अगर किसी को मेंबर बनना है कंपनी का, तो दो इंपॉर्टेंट जो मैंडेटरी टास्क है वो है कि द एग्रीमेंट इन राइटिंग टू टेक शेयर्स ऑफ कंपनी, कंपनी का अगर कोई शेयर ले रहा है तो इन राइटिंग एग्रीमेंट होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन सो अग्रिंग इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी, मेंबर्स जो कंपनी का रजिस्टर है, मेंबर्स वाला रजिस्टर, उसमें उस बंदे का, उस पर्सन का नाम जो है वो रजिस्टर्ड रहना चाहिए। इन जनरल तो हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि जनरली जो है बाइंग शेयर्स इज द मोस्ट कॉमन एंड इजिएस्ट वे है और मीडियम है वेयर बाय अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, जहां पर एक बंदा है वो कंपनी का ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है इन जनरली। सो इसीलिए हम लोग जो टर्म है मेंबर एंड शेयर होल्डर उसको यूज करते, कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, हम इसको यूज कर लेते हैं एंड मीन द सेम पर्सन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए क्या होता है बेसिकली कि जो मेंबर एंड जो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी है उसको हम वन एंड द सेम कंसिडर करते हैं, सेम समझते हैं। नाउ सेकेंड टर्म यहाँ पर है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स का ट्रांसमिशन कौन कैसे होता है, जैसे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में डिफरेंस है। ट्रांसफर तो अगर किसी बंदे ने किसी को सेल कर दिया तो वो ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर जो है ट्रांसमिशन वो लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव के पास जब शेयर्स आ जाते हैं किसी डिजीज्ड मेंबर के, डिजीज मेंबर मतलब जिस किसी मेंबर की डेथ हो गई है, किसी शेयर होल्डर की डेथ हो गई है, और उसके नॉमिनी को, उसके लीगल हेयर को, जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको जो शेयर्स की होल्डिंग रिसीव हो जाती है, जिसको ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पर द डिसीज्ड पर्सन सीजेस टू बी द शेयर होल्डर। तो जो जिसकी डेथ हो गई है बंदे की, तो वो बंदा ऑब्वियसली जब प्रेजेंट है ही नहीं फिजिकली, उसकी डेथ हो गई है, तो वो शेयर होल्डर नहीं रहता है कंपनी का, बट कंटिन्यूस टू बी मेंबर, लेकिन वो मेंबर बना रहता है कंटिन्यूसली, वो मेंबर बना रहता है टिल ट्रांसमिशन इज इफेक्टेड, जब तक वो जो शेयर्स है किसी उसके ही लीगल हेयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हैंड ओवर नहीं कर दिया जाता है, तब तक वो मेंबर कहलाता है बट शेयर होल्डर नहीं कहलाता है। नाउ ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस, ट्रांसमिशन क्या है, व्हाट इज ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन जो है वो एक प्रोसेस है जहां पर द शेयर्स ऑफ डिजीज्ड पर्सन का जो शेयर होता है आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका जो शेयर्स है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर रजिस्टर किया जाता है। नाउ थर्ड वन इज द सेसेशन ऑफ मेंबरशिप, सेसेशन मतलब टर्मिनेशन, सेसेशन का मतलब होता है टर्मिनेशन, समाप्त हो जाना, मेंबरशिप खत्म कर देना,
तो यहाँ पर अ पर्सन सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द कंपनी व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, जब ये केसेस अकर होते हैं तो पर्सन की जो मेंबरशिप है वो सीज हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। पहला केस क्या, कौन सी सिचुएशन में, जब ट्रांसफर कर दिए जाते हैं शेयर्स, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर देता है किसी दूसरे बंदे को, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के करने पर उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है ओल्ड मेंबर की। देन इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर, अगर किसी कोई मेंबर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया या उस मेंबर की डेथ हो गई तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। देन सेल ऑफ शेयर्स बाय अ मेंबर ऑफ बाय द मेंबर इन द बाय बैक ऑफर ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या करती है, बाय बैक ऑफर का मतलब होता है कंपनी अपने शेयर्स को है ना मेंबर से परचेस कर लेती है, फिर से उनसे परचेस कर लेती है, तो ये बाय बैक का ऑफर बहुत सारे कंपनीज देते हैं। तो उस केस में जब मेंबर सेल कर देता है कंपनी को तो उसकी मेंबर की जो मेंबरशिप है वो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली टर्मिनेट हो जाती है। देन फोर्थ, फोर फीचर ऑफ शेयर्स ऑफ बाय द कंपनी, कंपनी जब किसी बंदे की मेंबरशिप को कैंसिल कर देता है, ये फोर्थ फीचर का केस का तो कब होता है, जब मान लो एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज है और मेंबर ने खाली 60 रुपीज पेमेंट किया है, 40 नहीं किया है, तो मतलब उसका पार्ट पेमेंट अभी तक कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है और कंपनी ने रिमाइंडर बार बार दिया है फिर भी उनको रिसीव नहीं हुआ है कंपनी को, तो कंपनी के हाथ में होता है कि कंपनी उस मेंबर की मेंबरशिप को कैंसिल कर दे, उसके जो शेयर्स है उसको फॉरफीचर कर दे। देन फिफ्थ वन, सरेंडर ऑफ शेयर्स टू द कंपनी बाय मेंबर, जब मेंबर अपने आप से सरेंडर कर देता है शेयर्स को कंपनी को, तो मेंबर की जो मेंबरशिप है वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। देन सिक्स्थ वन, एक्सरसाइजिंग ऑफ लीन ओवर द शेयर्स ऑफ मेंबर बाय द कंपनी, जब कंपनी का मेंबर है, यहाँ पर जब हम लीन की बात, लीन ऑन शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी डज नॉट ट्रांसफर शेयर्स ऑफ अ मेंबर टिल ही पेज हिज डेब्ट टू द कंपनी, उसका कोई डेब्ट बाकी रह गया है, कंपनी को पेमेंट देना बाकी रह गया है, कंपनी मेंबर ने कंपनी को पेमेंट नहीं किया है, तो उस केस में जो है कंपनी जो है वो उसके शेयर्स का ट्रांसफर नहीं करती है, मेंबर के शेयर्स का ट्रांसफर नहीं करती, तो उस केस में जो मेंबर है उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। देन द पर्सन हु होल्ड्स रिडीमेबल प्रेफरेंशियल, जिसके पास रिडीमेबल मतलब रीपेबल, रीपे कर दिया जाता है जो शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स जो है वो रीपेड नहीं होते, लाइफ टाइम चलते हैं वो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रीपेड कर दिए जाते हैं पर्सन को, तो द पर्सन हु होल्ड्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स सीजेस टू बी मेंबर व्हेन द कंपनी रिडीम्स दीज शेयर्स, जब कंपनी उन शेयर्स को रीपे शेयर्स के अमाउंट को रीपे कर देती है तो मेंबरशिप ऑटोमेटिकली मेंबर्स की कैंसिल हो जाती है। देन पर्सन रिसाइंस मतलब रिप्यूट्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंबरशिप ऑन द ग्राउंड दैट ही और शी वॉज चीटेड, अगर कोई बंदा कहता है कि भाई कंपनी ने ना मिस रिप्रेजेंट किया इंफॉर्मेशन को, गलत बताया है प्रॉस्पेक्टस में, जैसे बताया था वैसा नहीं है, उसके साथ चीटिंग हुई है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो वो जो जो मेंबर है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है, तो ऑटोमेटिकली मेंबरशिप जो है वो सीज हो जाती है। देन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी वाइंड अप होना मतलब क्या हुआ, कंपनी बंद हो जाना, कंपनी बंद हो गई तो कौन से कंपनी का मेंबर हो गए, तो इट इज अंडरस्टूड कि ये ऑटोमेटिकली फिर बंद हो जाता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए आंसर्स के। नाउ यहाँ पे वैसे तो सारे टेक्सचुअल आंसर्स ही है, आप टेक्स्ट बुक में भी आप उनको जो है वो मार्क करके ले सकते हो, इसकी कोई स्क्रीनशॉट की भी आप लोगों को जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो डिफिकल्टी नहीं होती है। एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप, एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम अ मेंबर, कोई बंदा अगर किसी कंपनी का मेंबर बनना चाहता है तो देर आर नंबर ऑफ वेज कि वो एक्वायर कर सकता है मेंबरशिप, तो द फॉलोइंग मेंबरशिप इन अ कंपनी कैन एक्वायर, द मेंबरशिप इन अ कंपनी कैन एक्वायर बाय वन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, कोई भी एक तरीके से वो मेंबर बन सकता है कंपनी का, एक तो वो बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर, कुछ मेंबर्स होते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करते, तो द सब्सक्राइबर्स और टू द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी आर इट्स मेंबर्स, वो मेंबर कहलाते हैं कंपनी के। एक्वायर करना मतलब रिसीव करना, मेंबरशिप रिसीव करना। सेकेंड, बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स के लिए अप्लाई करना, जैसे हम लोग कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए, वैसे ही मेंबर अगर कोई बनना चाहता है किसी कंपनी का तो वो पहले एप्लीकेशन फिल करता है, फिर कंपनी उसको एक्सेप्ट करती है, और कितने नंबर उनको अलॉट करिए नंबर ऑफ शेयर्स, तो उसको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बोलते हैं। तो एनी पर्सन
हु विशेस टू बाय कंपनी शेयर्स हैज टू अप्लाई फॉर द सेम, उन्हें उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है एंड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन बाय द कंपनी, कंपनी फिर जब वो एक्सेप्ट कर लेती है एप्लीकेशन को तो उन्हें अलॉट हो जाते हैं शेयर्स, तो वो मेंबर बन जाते हैं. नाउ बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, ये डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में डिपॉजिटरीज में जो है वो बेनिफिशियल ओनर के शेयर्स जो है वो सेफगार्ड किए जाता है, डिपॉजिटरीज जो होते हैं वो सेफगार्ड करते हैं, तो ये बैंकिंग सिस्टम की तरह ही काम करता है. तो एनी पर्सन हु हैज़ शेयर्स इन हिज नेम एज बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी इज मेंबर ऑफ कंपनी, अगर डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में उनका नाम होता है, डीमेटेरियलाइज फॉर्म में उनके शेयर्स वहाँ पर पड़े रहते हैं, तो वो बंदा है वो मेंबर कहलाता है कंपनी का. बाय ट्रांसफर, ट्रांसफर के हिसाब से भी वो मेंबर कहला सकता है. तो एनी पर्सन हु बाय शेयर्स, किसी कंपनी का शेयर परचेस कर लेता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही मेंबर है उससे दूसरा बंदा परचेस कर लेता है, तो वो दूसरा बंदा जो परचेस करता है वो मेंबर बन जाता है कंपनी का, बिकम इट्स रजिस्टर्ड मेंबर. एक बार जब कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है ट्रांसफर रिक्वेस्ट को, एक्सेप्ट कर लेती है ट्रांसफर रिक्वेस्ट, कौन सबमिट करता है कंपनी के पास, तो एग्जिस्टिंग मेंबर सबमिट करता है. तो आफ्टर एक्सेप्ट हिज ट्रांसफर रिक्वेस्ट. नाउ बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हम इस को जो है वो डिस्कस कर चुके इस पॉइंट को, कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स मतलब क्या होता है, कि द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय द लॉ इन द इवेंट्स ऑफ किसी बंदे की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गया है बंदा, या इंसैनिटी मतलब मेंटली डिसऑर्डर हो गया है, तो उस केस में उस बंदे के जो शेयर्स है वो ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं उसके लीगल हेयर को, तो उसे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कर बोलते हैं. देन सिक्स वन, नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी, ओपीसी, ओपीसी मतलब नॉमिनी ऑफ वन कंपनी में क्या होता है, इन केस ऑफ ओपीसी क्या होता है, अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को, द नेम ऑफ द नॉमिनी हुज नेम इन ओपीसी, द नेम ऑफ नॉमिनी हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी, ओपीसी के मेमोरेंडम में अगर किसी बंदे का नाम ले दिया हुआ है नॉमिनी के अंडर, जिसका नाम दिया हुआ है, तो दैट नॉमिनी बिकम्स द सोल ओनर इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर, मेंबर के डेथ पर. ये वन मेंबर कंपनी होती है ना, वन पर्सन कंपनी मतलब वन मेंबर, खाली एक सिंगल बंदा होता है इसका ओनर. बाय एक्विसेंस मतलब इफ अ पर्सन इज रॉन्गली, अगर किसी बंदे का नाम रॉन्गली एंटर कर दिया जाता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में और होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ मेंबर, या फिर वो अपने आप को मेंबर ठहराता है कंपनी का और नोइंगली अलाउज हिज नेम टू रिमेन इन द रजिस्टर, वो जान कर उसे पता है कि उसका नाम गलती से रजिस्टर में रिकॉर्ड हो गया है, फिर भी उसे उस नाम को वहीं रहने देता है विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंपनी अबाउट द मिस्टेक, वो कंपनी को मिस्टेक जो है वो इन्फॉर्म नहीं करता है, बताता नहीं है, रेक्टिफाई करने के लिए नहीं बोलता है, इस स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग हिज मेंबरशिप, और वो ये मानता भी नहीं है कि भाई मैं मेंबर नहीं हूं कंपनी का, उसे पता होता है सब कुछ बट नोइंगली वो ये जानकर वो कंपनी का मेंबर बना रहता है, इज लायबल एज अ मेंबर, तो कंपनी को उसे एज अ मेंबर एक्सेप्ट करना पड़ता है, लाइक इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब वो कंपनी को वाइंड अप करते हैं, कंपनी बंद होती है, तो उस समय उन्हें उस बंदे को मेंबर करार देना पड़ता है. इट इज देयरफॉर कॉल्ड मेंबरशिप बाय प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल, तो इसे हम मेंबरशिप ऑफ प्रिंसिपल, मेंबरशिप बाय प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल भी कहते हैं. नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, वैसे तो ये चैप्टर के सारे एक्सरसाइज में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बाय मिस्टेकली रह गया था, तो स्टूडेंट ने रिमाइंडर दिया तो मुझे ये ध्यान में आया कि ओके ये वीडियो मैंने नहीं लगाया है, जल्दी चैप्टर नंबर 6 का भी वीडियो आप लोगों के लिए आएगा. नाउ एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी क्या है, तो बाइंग शेयर्स अमाउंट्स टू मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई बंदा किसी कंपनी का शेयर परचेस करता है एंड सो एन एंटिटी, जो पर्सन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो दे कम इन टू द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न साइन होता है ना, रिटर्न अग्रीमेंट कैन बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, तो वो बंदा कंपनी का मेंबर बन सकता है. दिस टॉपिक, इसीलिए ये जो टॉपिक हैज अ कॉन्टेक्स्ट टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये जो है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली इसमें सारे प्रोविजंस दिए गए कि कौन कौन बंदा कैसे कैसे मेंबर बन सकता है कंपनी का, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ ऑफ कंपनी, एनी पर्सन कोई भी बंदा जो शू ज्यूरिस कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एज फॉलोज, तो यहाँ पर वो बंदा जो है कंपनी का मेंबर बन सकता है. तो यहाँ जो है
सबसे पहले जो माइनर, मतलब वो डायरेक्टली खुद नहीं बन सकता है, तो कैसे वो माइनर बंदा डायरेक्टली नहीं बन सकता है, इंसॉल्वेंट बंदा नहीं बन सकता है, तो उसका सलूशन क्या है? तो यहाँ पर वही अभी हम देखेंगे कि पहले माइनर, अ माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी हिमसेल्फ, माइनर खुद से अपने आप से कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है उसका बनने के लिए? तो यहाँ पर जो है अ गार्जियन कैन एंटर इन टू, कोई जो गार्जियन है उसका रखवाला है, गार्जियन है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, कंपनी का शेयर परचेस कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, माइनर के बिहाफ में वो परचेस कर सकता है। यहाँ पे जो शू जुरिस दिया हुआ है कि वो लेटिन फ्रेज है, इसका मतलब लीगली कॉम्पिटेंट टू मैनेज वंस ओन अफेयर्स, लीगली वो माइनर बंदा है वो कंपनी का डायरेक्टली वो मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन अगर उसके बिहाफ में कोई गार्जियन परचेस करता है, ट्रांजेक्शन करता है शेयर्स का, तो वो एलिजिबल है मेंबर बनने के। देन इंसॉल्वेंट, सिंस द बेनिफिशियल राइट्स ऑफ शेयर होल्डिंग आर हेल्ड बाय द ऑफिशियल रिसीवर, जो कोर्ट ने जिसको हैंड ओवर करने के लिए बोला है, तो वो जो ऑफिशियल रिसीवर है, साइनी है, उसको वो हकदार हो जाता है कंपनी की मेंबरशिप पाने का, वो एलिजिबल हो जाता है। सो द इंसॉल्वेंट पर्सन कैन स्टॉप बिंग द मेंबर, तो जो इंसॉल्वेंट बंदा होता है वो मेंबर नहीं रहता है बाद में, क्योंकि कोर्ट बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो ऑफिशियल रिसीवर है उस वो एलिजिबल हो जाता है मेंबरशिप पाने के। देन नेक्स्ट वन, इनसेन और ल्यूनेटिक। नाउ इनसेन मतलब जो इनएबिलिटी टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट रेंडर्स द पर्सन इन एलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ ए कंपनी। अगर कोई बंदा, यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी को बात कर रहे हैं, तो इनसेन पर्सन है जो ल्यूनेटिक पर्सन, मतलब जो किसी भी मेंटली डिसऑर्डर्ड है, तो वो पर्सन जो है वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। देन फॉरेनर, सिंस अ फॉरेनर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेनर्स एंटर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, फॉरेनर कैन बाय शेयर्स टू बी मेंबर ऑफ एन इंडियन कंपनी, एक इंडियन कंपनी का शेयर्स परचेस कर सकते हैं फॉरेनर्स, दे कैन बाय टू बी मेंबर ऑफ ए इंडियन कंपनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ फेमा 1999। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो फॉरेनर है वो एंटर कर सकता है, वो बाय कर सकता है कंपनी के शेयर्स, उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए उसके अकॉर्डिंगली वो लोग परचेस कर सकते हैं। तो ये जो फेमा जो है वो हेल्प करता है एक्सटर्नल ट्रेड एंड वो इवन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में प्रमोट करता है, तो उसके तहत एज पर द फेमा 1999 के तहत फॉरेनर मेंबर बन सकता है। देन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो यहाँ पर कंपनी, अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन, कंपनी एक लीगल पर्सन है, हम उसको सेपरेट एंटिटी हम इसे कंसिडर करते हैं, तो कैन बी अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, वो दूसरे कंपनी का मेंबर बन सकते हैं, अपनी खुद की कंपनी का नहीं, इन इट्स ओन नेम, खुद के नेम पर। इफ इट कैन बिकम मेंबर ओनली इफ ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर जिस कंपनी का वो मेंबर बनना चाहता है उस कंपनी ने उन्हें ऑथराइज किया, उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज किया है, तो कंपनी कैन इन्वेस्ट इन टू द अदर कंपनीज के शेयर्स में। कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन इट्स ओन शेयर, जैसे मैंने आपसे कहा खुद की कंपनी खुद के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, बींग अ रजिस्टर्ड एंटिटी होने के हिसाब से यहाँ पर इट कैन बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कंपनी का मेंबर बन सकते हैं। देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है, सिंस इट इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन होता है, इट कैन बी मेंबर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के मेंबर बन सकते हैं LLP। देन HUF भी मेंबर बन सकते हैं, यहाँ पर जो HUF है वो कर्ता के नाम पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कंपनी के नाम पे, यहाँ पे HUF के नाम पे नहीं। द एक्ट डज नॉट प्रोहिबिट मेंबरशिप ऑफ HUF, HUF की मेंबरशिप को प्रोहिबिट नहीं करता है, बट शेयर्स कैन बी रजिस्टर्ड, लेकिन यहाँ पर जो शेयर्स है उसका रजिस्ट्रेशन ओनली इन द नेम ऑफ कर्ता होगा, यहाँ पे खाली कर्ता के नाम पर ही होगा, HUF के नाम पर नहीं होगा, उतना
ध्यान रखना है. देन पार्टनरशिप फर्म, द फर्म कैन नॉट बी मेंबर, फर्म कंपनी का मेंबर नहीं बन सकती है, जो जो फर्म के जो पार्टनर्स है वो बन सकते हैं, एज इट इज नॉट रजिस्टर्ड एंटिटी, क्योंकि रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं होता है. ओनली अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, अदरवाइज अदर स्टेट्स में कंपलसरी नहीं है, इसलिए फर्म जो है वो परचेस नहीं कर सकता है, मेंबर नहीं बन सकता है कंपनी का. हाँ, बट फर्म कैन होल्ड शेयर्स ऑफ कंपनी इन द इंडिविजुअल नेम्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम पर फर्म चाहे तो शेयर्स जो है वो परचेस कर सकते हैं. देन लास्ट वन, ट्रस्ट. तो रजिस्टर्ड ट्रस्ट, अगर कोई भी ट्रस्ट है जो है वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है तो कैन बिकम अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी, वो कंपनी में शेयर होल्डर बन सकते हैं इन इट्स ओन नेम, खुद के नाम पर ट्रस्ट जो है वो मेंबर बन सकते हैं कंपनी का, ट्रस्ट के नाम पर शेयर्स खरीदे जा सकते हैं. तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुके हैं. आगे जो केस स्टडी वगैरह सारे बाकी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ. जल्दी ही चैप्टर नंबर सिक्स के आंसर्स लेकर आप लोगों के सामने आऊंगी. अगर आप लोगों को थियरी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई. मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकती कि कितने वीडियोस अपलोड कर पाऊंगी थियरी की, इसलिए जल्दी जल्दी पहले आप लोगों को एक्सरसाइज के सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि एक्सरसाइज के सोल्यूशन के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिल जाए. लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स.